और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि कई कई जन्मों के पुण्य के बाद उज्जैन से हमारा संबंध आता है। एक रात गुजारने के लिए कई जन्मों के पुण्य लगते और हम यही रहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। आज के इस अवसर पर हमारी मंडली ने धार्मिक नगरी उज्जैन से भगवान श्री राम का गहरा नाता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब भगवान राम का कोई भी या वनवास हुआ हो या कोई भी प्रसंग हुआ हो, उसमें उज्जैन का नाम जरूर जुड़ा है। कैसा महसूस कर रहा है आज उज्जैन में, पूरा चारों तरफ श्री राम राहगिरी देखने को मिल रही है? पूरा उज्जैन भगवान श्री राम के आनंद में डूबा हुआ है और जिस रास्ते से राहगिरी श्री राम राहगिरी निकल रही है वो वही रास्ता है जिस पर भगवान श्री राम कभी निकले थे। ऐसा पुराणों में उल्लेखित है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम उज्जैन से निकले थे और इसी अंगपात क्षेत्र में भगवान श्री राम का राम जनार्दन मंदिर है जहाँ पर चलायमान प्रतिमा है। तो मुझे लगता है कि आज का जो आयोजन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उज्जैन में हो रहा है, ये उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जो परंपरा भगवान श्री राम ने त्रेतायुग में बढ़ाई थी। वास्तव में भगवान राम और भगवान शिव एक दूसरे को पूजते हैं, एक दूसरे की स्तुति करते हैं। तो ये हमारा जो अंगपात क्षेत्र में आज श्री राम राहगिरी का आयोजन है, ये लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए तो यही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए तो यही है, परंपरागत खेल कूद के लिए तो यही है। ये संदेश भी दे रहा है कि सनातन के साथ जुड़कर हमारा देश आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में जो भी आयोजन हो रहे हैं उसे भगवान श्री राम के नाम से जोड़ा जा रहा है। उज्जैन में होने वाली राहगिरी को भी भगवान श्री राम के नाम से जोड़ दिया गया है। पूरी राहगिरी में भगवा लहरा रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान शिव के साथ साथ उज्जैन में भगवान श्री राम की भी आराधना हो रही है। धार्मिक नगरी उज्जैन में रविवार को राहगिरी हो रही है और ये राहगिरी श्री राम राहगिरी है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरे क्षेत्र में भगवा फहराया जा रहा है। इस राहगिरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं और डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में राहगिरी हो रही है। इस राहगिरी में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये जो भगवान श्री राम पर जो राहगिरी हो रही है इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि भगवान राम के नाम पर महाकाल की नगरी में राहगिरी हो रही है? आप कहाँ से आए आप? तो क्या लगता है आपको भगवान राम के नाम पर राहगिरी हो रही है? इस बार मुख्यमंत्री मौजूद है, बोल सकते हैं ऐसा कि भगवान राम के नाम से जिस प्रकार से इतने सालों से जो अपना केस चल रहा था और अभी हम लोग मेहनत करके जो राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं उसी तरह हम ये जो हमारी राहगिरी है चारी तरफ भगवा चारी तरफ भगवा लहराया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से भगवा रंग में पूरा उज्जैन रंगा हुआ है और इसमें जो राहगिरी है इसे नाम दिया गया था श्री राम राहगिरी। इस राहगिरी में मुख्यमंत्री मौजूद है और जनता का उत्साह अयोध्या से लेकर उज्जैन तक खासा देखने को मिल रहा है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।